Hello everyone. My name is Nabil Ahmed and I'm your biology teacher. Hope you are doing really well, and I have nearly 4 years of teaching experience. So today we are going to discuss a topic which lies under the chapter life process. ठीक है, आपका chapter 1 है life process, है ना, और उसके अंदर आपका थर्ड ही टॉपिक आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम से हम क्या समझते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये होगा कि भाई साहब एक ऐसा सिस्टम जिससे चीजें सर्कुलेट हो रही हैं, तो उसको सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाए। अगर मैं ब्रॉडली ह्यूमन बींग की बात करता हूँ, तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर मैं डायरेक्टली ह्यूमन की बात करता हूँ, इन ह्यूमन, ये आपका दो तरीके से हो सकता है। ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम आपका दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर वन क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और दूसरा होता है आपका लिम्फैटिक सिस्टम। ठीक है, तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में ये दो सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक हो गया आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक हो गया आपका लिम्फैटिक सिस्टम। ठीक है, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करने से पहले, ये दोनों इंडिविजुअली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और आपका लिम्फैटिक सिस्टम डिस्कस करने से पहले, मैं आपको लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी वो सॉरी आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये आपने डाइवर्सिटी चैप्टर के अंदर, क्लास 9 के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इट इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ठीक है, ये ह्यूमन के अंदर की बात हो गई। अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, किसी भी सर्कुलेट एज अ होल की बात हो रही है अब यहाँ पे, कि सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, ये बात आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी बच्चों, कि सर्कुलेटरी सिस्टम ब्रॉडली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। एक तो होता है बच्चों ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक कौन सा होता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम कोई भी हो, चाहे ओपन है चाहे वो क्लोज है, तो इन सिस्टम मतलब सर्कुलेट हो रहा है, कुछ ना कोई तो चीज है जो सर्कुलेट हो रही है। तो अगर सर्कुलेटरी फ्लूड जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, अगर वो फ्लूड विदाउट प्रॉपर वेसल एक जगह से दूसरी जगह पर आपका अगर मूव कर रहा है विदाउट एनी वेसल, तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म के इस तरह का टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं प्रेजेंट है, तो उस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या ओपन टाइप समझ आया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच देर इज नो वेसल थ्रू विच द सर्कुलेटिंग फ्लूड इज सर्कुलेट। कि भाई इन इस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी आपका सर्कुलेटरी फ्लूड जो होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रॉपर कोई भी वेसल प्रेजेंट नहीं होगी। ये मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखा दूंगा कि भाई मान के चलो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये मान लिया है हमने कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सी बात मानते हैं कि अब इसमें जो ये सर्कुलेटरी फ्लूड है इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी प्रॉपर चैनल, कोई भी प्रॉपर वेसल अगर नहीं है, और वो ऐसे ही जो सर्कुलेटरी फ्लूड है वो ऐसे ही मूव कर रहा है बॉडी के अंदर, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या ये बात समझ आई। एग्जाम्पल इसका मैं आपको दे सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, फाइलम ऑर्थोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, आपका ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा, मैं इसको आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा एक सेकंड, कि ब्लड के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या होगा, एक प्रॉपर वेसल्स का फॉर्मेशन अगर हो जाए, तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कि ब्लड जो होगा वो प्रॉपर वेसल से, एक वेसल या एक चैनल से होकर गुजरे और एक जगह से कोई भी बी जगह पर जाए।
और प्रॉपर वेसल के अंदर से होकर जाए, ऐसे ही कहीं भी बॉडी के बाहर अंदर अंदर मतलब बॉडी कैविटी के अंदर ऐसे ही नहीं घूमेगा जो होगा। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया आपका क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ह्यूमन बीइंग इसका एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि ह्यूमन का जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज टाइप, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, देखो ये वेन्स होती है, आर्टरीज होती है और ब्लड कैपिलरीज होती है, इन्हीं के अंदर हमारा ब्लड जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर सर्कुलेट करता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हो गई। इवन अगर लिम्फेटिक सिस्टम की भी मैं बात करता हूँ तो जो लिम्फ होता है वो लिम्फ भी आपका क्या होता है, प्रॉपर लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर से होता हुआ जाता है। तो आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी कि भाई ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब सीधा सा ये है कि सब ब्लड जो होगा या कोई भी सर्कुलेटिंग फ्लूड जो होगा वो एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर ऐसे फ्रीली ही मूव करेगा विदाउट प्रॉपर वेसल। तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोला गया है। एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में मैं क्या बात कहूंगा कि सब ये वो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें आपका ब्लड का या सर्कुलेटिंग फ्लूड का, कोई भी फ्लूड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, ब्लड हो सकता है, वो फ्लूड आपका प्रॉपर वेसल से, प्रॉपर चैनल से एक जगह से दूसरी जगह अगर आए तो इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को मैं क्या बोलता हूँ, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये मैंने आपको एज अ होल बताया है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट है, लेकिन अगर मैं ह्यूमन बींग की बात करता हूँ तो सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग के अंदर मुझे यहाँ पर क्या पता चल गया कि भाई ये हमारे तो क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, मैंने मान लिया क्लोज टाइप का होता है, लेकिन क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम भी कितने तरह का हमारी बॉडी के अंदर है, तो वो दो तरह का होता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। वो क्या क्या है, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम। इतनी बात आपको समझ आई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको वन बाय वन, ये जो दोनों सिस्टम है जो मैंने आपको ह्यूमन के अंदर के दो सिस्टम बताए, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है और एक हो गया लिम्फेटिक सिस्टम जिसके अंदर लिम्फ सर्कुलेट करता है। अब ये जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपके इसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मेजर कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, इतना आपका हो गया आई गेस। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट हो गया मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। पहले हमने कौन सा लेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी, दूसरे लेक्चर में हम लेंगे किसको, आपका लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये एक बात हो गई। फिर ये देखते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको समझ आई? चलिए, फिर अब जो मेजर कंपोनेंट आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो मैंने कहा कि भाई ह्यूमन का क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, और इस क्लोज टाइप में आपके दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है आपका कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम। अब आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर आपका ब्लड एज अ फ्लूड या सर्कुलेटिंग फ्लूड की तरह काम करता है, और इसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, वो तीनों मेजर कंपोनेंट मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूँ, ये रहे। ठीक है, नंबर वन तो होगा आपका ब्लड, नंबर टू हो जाएगा आपका ब्लड कैपिलरी, वो ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, और नंबर थ्री हो जाएगा आपका पंपिंग ऑर्गन जिसको मैं हार्ट बोलता हूँ। ठीक है, तो आपके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन मैंने आपको बताया ब्लड इटसेल्फ, भाई ब्लड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला मेजर कंपोनेंट क्या होगा आपका, वो होता है ब्लड। ठीक है, दूसरा जो मेजर कंपोनेंट आपका निकल कर आता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या हो जाएगा आपका, ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, वो क्या होंगी आपकी, ब्लड वेसल्स हो जाती हैं। अब ब्लड वेसल्स की भी हम बात करते हैं कि भाई ब्लड वेसल्स के क्या हो जाएंगे आपके फर्दर, ये आपका डिवाइड हो जाता है, तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक होती है आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और एक होती है आपकी ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इनके बारे में भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो आ जाता है वो मेरा कौन सा हो जाता है, आपका हार्ट। ठीक है, हार्ट जो होता है एक स्पेशल टाइप की मसल से मिलकर बनता है, ये बात आपने 9th क्लास में फिर से पढ़ी, मैं कहूंगा कि आप ये 9th क्लास में अगर आप जाते हैं टिश्यू चैप्टर आप अगर पढ़ते हैं और वहाँ पे आपने मस्कुलर टिश्यू अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई मस्कुलर टिश्यू में कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, कार्डियक मसल्स स्पेशली वो मसल्स होती हैं जो आपकी स्पेशली कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती है, जो विदाउट एनी फटीग थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है। तो इसीलिए आपका जो हार्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड मसल से मिलकर बनता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, कार्डियक मसल। तो इसको पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, जो कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूड है उसको पंप करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका हार्ट, पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है।
तो क्या ये आपको तीन मेजर कंपोनेंट समझ आए कि सब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, इसके तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं, नंबर वन इज ब्लड, नंबर टू इज ब्लड वेसल्स एंड नंबर थर्ड इज आपका हार्ट। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में जो कवर करेंगे वो करेंगे आपका ब्लड के बारे में। ठीक है, तो अब ब्लड की बात कर लेते हैं। देखो ब्लड क्या है, व्हाट डू मीन बाय ब्लड? देखो ब्लड एक ऐसा फ्लूड है जो बेसिकली क्या नाम है आपका क्या कर रहा है, सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। और इसका मेजर फंक्शन क्या होगा कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैं कहूँगा न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जो रेगुलरली वेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बॉडी के अंदर बन रहा है उसको कलेक्ट करके लेकर आना, उसको जहाँ पर किडनी के पास फिल्ट्रेशन के लिए भेजना है वहाँ पर करना। जो मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन्स निकल रहे हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला या फिर थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकला, उस हार्मोन को अपने ब्लड के अंदर लेना और उसको लेकर टारगेट साइट तक लेकर जाना, ये भी ब्लड का काम होता है। ब्लड का काम हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने का काम होता है, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होता है सोल्जर ऑफ आवर बॉडी इनको बोला जाता है। ठीक है, और ये ब्लड का भी एक और काम मैं आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन बता देता हूँ कि भाई ब्लड जो होती है ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के साथ साथ आपका क्या करता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर बॉडी का बनाकर रखता है, जो कि क्या होता है 37। ऐसा तो नहीं होता ना कि भाई मेरी उंगली का टेम्परेचर यहाँ पर जो फिंगर है मेरी इसका अलग टेम्परेचर हो गया, मेरे मेरे जो चिन है या ये वो है चिक है इनका क्या होगा ये अलग हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना। कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर जो होगा वो आपका बनाकर रखता है, ये कौन बनाकर रखता है आपका ब्लड ही बनाकर रखता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाकर रखता है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पहला मेजर कंपोनेंट हमारा कौन सा है, ब्लड है। अब ये जो ब्लड है मेरा, इसके बारे में मैं आपको कुछ जनरल बातें बता देता हूँ। इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आर बॉडी। ब्लड जो होता है इट इज द सॉफ्टेस्ट टिश्यू, हमारी बॉडी का सॉफ्टेस्ट टिश्यू होता है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट जो होगा, अगर मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करता हूँ तो इसका जो टोटल जो होता है ये करीब ब्लड हमारा होगा 5 लीटर की मान लेते हैं, 5 to 5.5 लीटर। ठीक है, 5.5 लीटर के पास पास आपका ब्लड अमाउंट इन आर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वो आपका 5 से 5.5 लीटर के आसपास होता है। और ब्लड का जो पीएच होता है, पीएच ऑफ ब्लड जो होगा इट इज स्लाइटली एल्कलाइन। ये कैसा होता है, एल्कलाइन का मतलब समझते हैं, एल्कलाइन का मतलब होता है स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली एल्कलाइन, और स्लाइटली एल्कलाइन मतलब कितना होगा, इट इज अबाउट 7.4 to 7.5। ठीक है, जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, इट इज अराउंड 7.4 to 7.5, या फिर आप लमसम में एज अ मैं कहूंगा कि आप इसको 7.4 ही माने। तो पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, इट इज अबाउट 7.4। फंक्शन मैंने आपको बताया, ब्लड का काम क्या होता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को निकालना हमारी बॉडी के अंदर से, यूनिफॉर्म टेम्परेचर हमारी बॉडी का बनाकर रखना, डिफेंस मैकेनिज्म हमारी बॉडी का बनाकर रखना, ये सभी फंक्शन मेरे किसके होते हैं, ब्लड के होते हैं। अब देखो ब्लड की अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ब्लड की कंपोजिशन क्या है, या ब्लड आपका किस चीज से मिलकर बना है। तो ब्लड जो होता है ब्रॉडली आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है आपका लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट ये आपके टोटल ब्लड का 45% कैरी करता है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि मैंने मान लीजिए आपका मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर मैंने सैंड के पार्टिकल डाल दिए, कुछ पेबल्स डाल दिए, ठीक है, और कुछ मार्बल्स मैंने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है, और ऊपर से मैंने इसमें वाटर डाल दिया, मान लेते हैं ऐसी बात हुई। तो अब ये मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लड है, तो इसमें जो ये सैंड पेबल्स और मार्बल्स जो डाले हैं ये सॉलिड कंपोनेंट है, और जो मैंने वाटर डाला था वो क्या है, लिक्विड कंपोनेंट है। ये चीज आपको आगे और क्लियर हो जाएगी, मैं अब आपके लिए एक और डायग्राम बनाने के लिए जा रहा हूँ, मतलब फ्लो चार्ट होगा वो। ठीक है, एक और, तो ब्लड
ब्लड जो होगा आपका ये ब्रॉडली आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है आपका लिक्विड कंपोनेंट। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है आपका लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है। अच्छा, अब जो ये आपका सॉलिड कंपोनेंट होता है तो बचे टोटल ब्लड का, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास फिर से वही ग्लास है और उस ग्लास के अंदर सैंड पेबल्स और आपका वही मार्बल्स हैं और वाटर है, तो ये टोटल को अगर मैं ब्लड बोल रहा हूँ तो इसमें सैंड पेबल्स और मार्बल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पूरे प्रॉपर ग्लास के अंदर जो भरा हुआ चीज़ है तो वो मैं कह रहा हूँ 45% है। तो टोटल ब्लड के अंदर जो उसका सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, इट इज़ अबाउट 45% ऑफ टोटल ब्लड। और जो लिक्विड कंपोनेंट होता है वो आपका टोटल ब्लड का कितना होता है, 55% के आसपास होता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, है ना। तो इतनी छोटी सी बात मैंने आपको बताई कि भाई ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉलिड कंपोनेंट और एक होता है आपका लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है। जो आपका सॉलिड कंपोनेंट होता है इसको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इनको क्या बोला जाता है, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है। अब जैसे मैंने ऊपर का आपको एग्जांपल देकर बताया सैंड पेबल्स और मार्बल्स का, ठीक इसी तरीके से सॉलिड कंपोनेंट जो होते हैं वो तीन तरीके से हो सकते हैं। एक होता है आरबीसी जिनको आप एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, दूसरा होता है आपका कौन सा डब्ल्यूबीसी जिनको आप ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, और नंबर थर्ड हो जाता है जो आपकी क्या है, ब्लड प्लेटलेट, जिसको आपको थ्रोम्बोसाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो अब मैं ये आपके लिए आगे चार्ट बनाने जा रहा हूँ। देखो एक तो हो गया कौन सा, आर बी सी। आर बी सी को रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है, ना कि रेड ब्लड सेल। डिफरेंस क्या है, कॉर्पसल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैच्योर आर बी सी में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ना ही न्यूक्लियस होता है, इसीलिए इसको सेल ना बोलकर इसको कॉर्पसल्स बोला जाता है। तो जब भी आप कभी लिखें तो इसको या बोलें तो इसको रेड ब्लड सेल ना बोलना, इसको बोलना है आपको क्या, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, या फिर अगर ये और नाम इसका भी दिया गया है जो कि वो क्या है आपका एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स। क्या ये बात समझ आई, सॉलिड कंपोनेंट का पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया। फिर दूसरा जो आएगा वो निकल कर वो कौन सा होगा आपका, डब्ल्यू बी सी। इसको आप सेल बोल सकते हो क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और इसके पास सभी अदर सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होंगे, तो ये आपका व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट सेल इनको बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट भी बोलता है। और तीसरा जो आपका सॉलिड कॉम्पोनेंट या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट में जो चीज आती है निकल कर वो होती है आपकी ब्लड प्लेटलेट। ठीक है, इनको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोल सकते हैं। अब देखो अगर मैं लिक्विड कंपोनेंट की बात करता हूं, ठीक है, जो लिक्विड कंपोनेंट है, अगर लिक्विड कंपोनेंट की बात की जाए तो ये टोटल ब्लड का 55% है, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, लेकिन लिक्विड कंपोनेंट में जो आपका टोटल ब्लड का 55% है, इसके अंदर आपका जो चीज आती है वो आती है प्लाज्मा। क्या आती है, प्लाज्मा, या फिर ब्लड प्लाज्मा भी इसको बोला गया है। क्या होता है, प्लाज्मा आता है, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं इसको। अब जो ये लिक्विड कंपोनेंट के अंदर प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लाज्मा जिसको हम बोल रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, 90 से 92% क्या होता है आपका, वाटर होता है। 90 से 92% वाटर होता है। अगर मैं कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा के अंदर मैं फिर से कह रहा हूँ जो लिक्विड कंपोनेंट होता है उसके अंदर आपका आता है प्लाज्मा या फिर ब्लड प्लाज्मा इसको बोलते हैं। इस लिक्विड कंपोनेंट या ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होगा आपका, 90 से 92% तो वाटर ही हो गया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, 6 to 8% क्या होता है यहाँ पर आपके
प्रोटीन्स होते हैं, 68% क्या होगा प्रोटीन्स होते हैं, कौन से प्रोटीन्स होते हैं वो भी मैं आपको एक बार बताऊंगा, ठीक है। और लास्ट जो होता है इसमें क्या होंगे, सम मिनरल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, कुछ मिनरल्स जो होते हैं, मिनरल्स एलिमेंट ऑल्सो प्रेजेंट, यहाँ पर मिनरल एलिमेंट्स भी जो होते हैं दे आर ऑल्सो प्रेजेंट, क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा कि लिक्विड कंपोनेंट जो होता है वो होता है आपका ब्लड प्लाज्मा। अब ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, इसकी कंपोजिशन की अगर मैं बात करता हूँ, या लिक्विड कंपोनेंट की कंपोजिशन की मैं बात करता हूँ, तो उसमें 90 से 92% तो वाटर ही होता है। दूसरी बात, यहाँ पर 6 से 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। और नंबर थर्ड जो बात मैंने आपको बताई, यहाँ पे कुछ मिनरल एलिमेंट्स जो होते हैं वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात आएगी निकल कर कि जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये तीन तरीके से हो सकते हैं, इसमें एक का बताना मुझे बहुत जरूरी है क्योंकि वही उसी से आपको क्लॉटिंग मैकेनिज्म भी समझ में आएगा। तो जो आपके प्रोटीन्स है वो तीन तरीके से हो जाएंगे, एक तो होता है आपका एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, नंबर टू हो जाएगा आपका ग्लोब्यूलिन, और नंबर थर्ड हो जाता है आपका फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन। अब जो ये आपका फाइब्रिनोजन है इसको क्लॉटिंग फैक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, क्लॉट बनाने में हेल्प करता है कि भाई अगर कहीं पर कट लग जाए, कट लगने के बाद वहां पर जो थ्रोम्बस बनता है या ब्लड जो है वो जम जाता है वहां पर या क्लॉट हो जाता है, तो वो बनता है किसकी वजह से, फाइब्रिनोजन की वजह से। इसीलिए फाइब्रिनोजन को क्या बोला जाता है, क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर इसको बोलते हैं, क्या इतनी बात समझ आई। चलिए, एक इंटरेस्टिंग बात या एक छोटी सी बात और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि अगर मैं प्लाज्मा से माइनस कर देता हूँ क्लॉटिंग फैक्टर को, इसको क्लॉटिंग फैक्टर को, तब मैं प्लाज्मा को प्लाज्मा ना बोलकर सीरम बोलता हूँ। कई बात समझ आई। अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर से जो टोटल ब्लड का 55% है, जिसके अंदर 90 से 92% वाटर है, जिसके अंदर 6 से 8% प्रोटीन है और बाकी कुछ मिनरल्स है, अगर उसके अंदर से मैं अगर क्लॉटिंग फैक्टर या फिर फाइब्रिनोजन हटा देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ, तब मैं प्लाज्मा को प्लाज्मा ना बोलकर क्या बोलता हूँ, सीरम बोलता हूँ। क्या इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई, क्लियर। चलिए, तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये बात आपको आई गेस समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, यही पूरा आपका लिक्विड कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो टोटल ब्लड का 55% है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, आपका सॉलिड कंपोनेंट के बारे में या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, और इनको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर वन हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आरबीसीज के बारे में, ठीक है बच्चों लोग, आरबीसी, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट लिख सकता हूँ, बिल्कुल है ना, अभी पीछे भी बताई थी मैंने बात, इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट, इनको क्या बोलते हैं आप, एरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या हो जाएगी, दे आर बाइकॉनकेव इन शेप, ये कैसे शेप होते हैं, दे आर बाई कॉनकेव इन शेप, शेप कैसी होती है इनकी, बाई कॉनकेव होती है। बाई कॉनकेव का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जो दोनों तरफ से कॉनकेव सरफेस हो, तो इस तरीके से, ये आपकी आरबीसी की शेप, ठीक है, क्या होती है, बाइकॉनकेव शेप होती है, क्लियर है। अच्छा, अब इसकी अगर मैं लेंथ की, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि भाई बाइकॉनकेव शेप की हो गई, दूसरा एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका जो डायमीटर होता है, क्या होता है,
डायमीटर जो होगा इट इज अबाउट 7 to 8 माइक्रोमीटर, और जो इसकी आपकी विड्थ होगी कि भाई आखिर ये कितना ही इसकी थिकनेस है, तो थिकनेस जो होगी इट इज अबाउट 1 to 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये जो लेंथ है ये कितनी है? ये वाली लेंथ जो है वो आपकी 1 to 2 माइक्रोमीटर हो जाएगी, और जो ये आपका इसका डायमीटर है ये डायमीटर कितना होगा आपका 7 to 8 माइक्रोमीटर के आसपास, यहाँ पर इसकी ये होता है। क्लियर है इतनी बात? एक एवरेज पर्सन के अंदर, एक एवरेज पर्सन के अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर जो आरबीसी की अमाउंट होती है वो कितनी होती है? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर एरिया में इतनी आरबीसी प्रेजेंट होती है। और मेल हैव, या फिर मैं कहूंगा मेल हैव मोर आरबीसी देन फीमेल, फीमेल से ज्यादा, थोड़ी थोड़ी ज्यादा, ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ज्यादा आरबीसी जो होती है मेल्स के अंदर ज्यादा होती है एज कंपेरेटिवली टू फीमेल। इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है क्योंकि फीमेल्स के अंदर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक फेज आता है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज भी बोला गया है, या मेंसेस भी उसको बोलते हैं। तो उस ब्लीडिंग फेज से क्या होता है, ब्लड जो होता है एंडोमेट्रियम वॉल होती है आपकी यूट्रस की, वहां से ब्लड रिलीज होता है, और वो उस रिलीज होने की वजह से फीमेल के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आरबीसी का अमाउंट या जो होती है वो थोड़ी कम होती है एज कंपेरेटिवली टू मेल। इतनी बात आपको समझ आ गई? ठीक है, अब यहां पर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट आपका आरबीसी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन आरबीसी या फिर रेड ब्लड कॉर्पसल। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट आपका किसके अंदर प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको बोला जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसको माना जाता है, और इसका काम क्या होता है, इट कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी कैरी करता है और सम अमाउंट में CO2 भी कैरी करता है। ये बात आप हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ोगे, लेकिन आप इतनी बात तो जरूर ध्यान रखना कि भाई ऑक्सीजन इसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरी करने का काम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ, वो ये है कि भाई आपका हीमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, इसको एक सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक बार में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन एक कार है, और उस कार के अंदर सिर्फ 4 ही मेंबर बैठ सकते हैं एक बार में, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते, कम बैठ सकते लेकिन ज्यादा नहीं बैठेंगे 4 से। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन का सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल क्या होता है आपका, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वन टाइम में कैरी कर सकता है। कितनी बात आपको समझ आई? ठीक है, अच्छा अब हीमोग्लोबिन की भी कॉन्सेंट्रेशन बता देता हूँ मैं आपको, कि करीब करीब आपका 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन जो होता है प्रेजेंट इन मेल। मेल के अंदर कितना होता है? एज एन एवरेज 15 ग्राम पर 100 ml अगर आप ब्लड लेते हो, 100 ml ब्लड लिया, उस 100 ml के अंदर कम से कम आपको 15 ग्राम जो होगा वो आपको हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिल जाएगा मेल के अंदर। फीमेल के अंदर फिर वही वाली बात हो जाएगी, थोड़ा कम होगा क्योंकि ब्लड कम, आरबीसी का नंबर कम है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन होगा वो भी कम होगा। इट इज अबाउट 12 to 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ब्लड ले लीजिए तो उसमें आपको फीमेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिलेगा, एज एन एवरेज 13 ग्राम ब्लड वो आपको हीमोग्लोबिन वहां पर प्रेजेंट देखने के लिए मिल जाएगा फीमेल के अंदर। रीजन क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लो, क्योंकि उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, वहां पर ब्लीडिंग फेज आता है जिसको मेंसेस या मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बोलते हैं, और जिसकी वजह से उसमें आरबीसी का भी नंबर कम होगा। ऑब्वियसली जब आरबीसी का नंबर कम है, क्योंकि आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी अपीयर्स रेड,
इसी की वजह से क्या होती है, आरबीसी जो होंगी वो रेड कलर की अपियर होती है। क्या ये बात समझ आई? और एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड का मतलब होता है इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होगा, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इसमें मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, ना ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और ना ही आपका यहाँ पर ना न्यूक्लियस होगा ना आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, और ना ही यहाँ पर आपके और अदर स्ट्रक्चर जैसे कि गॉल्जी बॉडी वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होंगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक चीज़ हो गई आपकी आरबीसी के बारे में। आई होप ये इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आरबीसी को बनाने के लिए। अच्छा एक चीज़ और, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी के सिंथेसिस की प्रोसेस को एरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है। ये भी बात मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एरिथ्रोपोएसिस। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और एरिथ्रोसाइट फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। क्या ये बात समझ आई आपको, एरिथ्रोपोएसिस उसको बोला जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई है। तो आरबीसी के बारे में हमने क्या बात देखी कि भाई आरबीसी डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, कि भाई इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, और मेजर सेल ऑर्गेनेल इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि भाई ये इसको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, और आरबीसी को रेड ब्लड सेल ना बोलकर रेड ब्लड कॉर्पसेस भी बोला जाता है। कॉर्पसेस इसलिए क्योंकि इसमें मेजर सेल जो वे होती है सेल ऑर्गेनेल वो एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको कॉर्पसेस बोलते हैं इंस्टेड ऑफ सेल। ठीक है, तीसरी बात कि ये इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, बाई कॉन्केव शेप होती है। बाई कॉन्केव ये वाली शेप हो गई, ये वाली जो शेप हो गई है, ठीक है, ये कॉन्केव सर्फेस, और दोनों तरफ से ऐसा ही सरफेस होगा तो ये बाई कॉन्केव इनका होता है। इनकी अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो डायमीटर कितना होता है, इट इज अबाउट 7 to 8 माइक्रोमीटर, और जो आपका लेंथ होती है या विड्थ जो होती है इसकी वो कितनी होती है, 1 to 2 माइक्रोमीटर के आसपास इसकी विड्थ हो जाएगी। एज एन एवरेज या एज एन एवरेज ह्यूमन बींग के अंदर क्या होता है, आरबीसी का जो काउंट होता है वो कितना होता है, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इसकी रेंज होती है, और फीमेल के अंदर ये स्लाइटली लोअर होता है बिकॉज द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां पर चलती है, उसकी वजह से फीमेल के अंदर आरबीसी का काउंट जो होता है वो थोड़ा कम होता है देन द मेल। अब जब ये एक बात हो गई, आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जिसकी वजह से आरबीसी जो होंगी या हमारा ब्लड जो होता है वो अपीयर्स रेड होता है, वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो होता है वो एक प्रोटीन है बेसिकली, तो वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है एक्चुअली में, गैसेस एक्सचेंज करने का, या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी इसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन को, और इसका काम होता है मेनली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कुछ अमाउंट ये CO2 भी ट्रांसपोर्ट करता है, ये बात आप हायर क्लासेस में अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और एक बार में हीमोग्लोबिन आप एक ऐसा स्ट्रक्चर मान लीजिए, एक ऐसी कार मान लीजिए जिसमें सिर्फ मैक्सिमम पैसेंजर 4 बैठ सकते हैं, तो एक बार में हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने का होता है। ठीक है, अब ये बात हो गई, अब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात कर लेते हैं कि भाई हीमोग्लोबिन की अमाउंट कितनी होती है, तो एज एन एवरेज जो अगर मैं बात कर रहा हूँ मेल के अंदर वो कितना होता है, आप 100 ml ब्लड लीजिए तो उसके अंदर 15 ग्राम जो होगा वो आपको मेल के अंदर हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आपका 13 फीमेल के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा कम होता है, वही रीजन सेम हो गया मेंस्ट्रुअल फ्लो की वजह से, और फीमेल के अंदर ये आपका कितना चला जाता है, 13 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड में ये आपकी चीज चली जाएगी। इतनी बात समझ आई आपको, क्लियर है? तो ये हो गया, इट इज ऑल अबाउट आरबीसी। अच्छा एक चीज और मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, वो क्या थी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी और एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। अब ये बार बार मैं आपको 2-3 चीजें बोल रहा हूँ, बोन मैरो। क्या बोन मैरो पता है? नहीं पता, तो अगर पता भी है तब भी ठीक है, नहीं पता तो एक बार हम देख लेते हैं उसको। ठीक है, बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो जो होती है बच्चों, ये जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनके अंदर एक सेमी सॉलिड लाइक सब्सटेंस होता है, ये बोन बना ली हमने, ये क्या है, बोन है, हड्डी जिसको हम बोलते हैं, और इसके अंदर मेरा ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जेली लाइक एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोला गया है, बोन मैरो। ठीक है, एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, ये है बोन मैरो। ठीक है, एक चीज ये है कि जितने भी ब्लड सेल हैं, चाहे वो आरबीसी है, WBC है, चाहे वो आपकी ब्लड प्लेटलेट है, वो सब की सब आपकी कहाँ से बनती है, बोन मैरो से बनती है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बनेगी। तो यहाँ पर एक कोई सेल होगा, ठीक है, उस सेल से
हीमोपोएटिक सेल्स होते हैं यहाँ पर जो ब्लड सिंथेसाइजिंग सेल्स होते हैं, उन सेल से क्या होता है आपका आरबीसी का सिंथेसिस होता है, और इसी प्रोसेस को मैं क्या बोल देता हूँ एरिथ्रोपोएसिस। और इसी बीच में क्या होता है आपका मैच्योर होते वक्त आरबीसी का न्यूक्लियस चला जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस। कई बात समझ आई? अच्छा मैं आपको यहाँ पर जब इतना डायग्राम बना ही हुआ है तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ यहाँ पर कि एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, उस सेल का नाम है मेगा कैरियोसाइट। क्या है? मेगा कैरियोसाइट। इसी बोन मैरो के अंदर एक और तरह की सेल होती है जिसको बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट। ये बात आपने, ये भी 9th में ही मैं बोलूंगा आपने पढ़ी होगी, फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगा। और एस्ट्रान के अंदर एक ये चीज दी हुई है कि भाई मेगा कैरियोसाइट से आपका ब्लड प्लेटलेट का बन जाना, किसका बन जाना, ब्लड प्लेटलेट का बन जाना इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस। जैसे एरिथ्रोपोएसिस, इसी को हम इसलिए क्या बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। कई बात समझ आई? फिर से सुनेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्लेटलेट फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट सेल्स ऑफ बोन मैरो इज कॉल्ड थ्रोम्बोपोएसिस, क्योंकि ब्लड प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। बच्चों ये बात मैंने आपको भी जस्ट पहले ही बताई थी, तो इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। और ये जो होते हैं ब्लड प्लेटलेट, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ दीज मेगा कैरियोसाइट सेल, दे आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, इनमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कई बात समझ आई? अच्छा क्वेश्चन फिर एक और मैं आपसे पूछता हूँ कि या बता देता हूँ कि कैमल जो होता है एंड लामाज जो होते हैं, ये एक ऐसे मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, अदरवाइज मेजोरिटी मैमल्स में क्या होता है आपका आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होती। क्या इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है चलिए, फिर इसके बाद हम एक और बात करते हैं, वो ये है कि भाई चलिए ठीक है इतनी बात हमें समझ आ गई है। तो अगर आपको याद होगा तो सॉलिड कंपोनेंट में मैंने आपको पहले बताया आरबीसी और दूसरा कौन सा था मेरा आपका डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब जो डब्ल्यूबीसी की अगर मैं बात करता हूँ तो डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं आपका ल्यूकोसाइट भी बोला गया है, और ये जो होती है ये आपकी न्यूक्लिएटेड हो जाएगी, ठीक है।